एक बार एक लड़का था राजू नाम का, जो अपनी माँ कविता और छोटे भाई मोनू के साथ राजपुर गांव में रहता था। राजू के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, तब से राजू की माँ ने ही घर के लिए पैसे कमाने की जिम्मेदारी उठाई। कविता ने बहुत मेहनत की अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। पैसों की कमी की वजह से राजू ने स्कूल तक छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ काम करने लग गया। उन्होंने मोनू की पढ़ाई को नहीं रोका। कविता हलवाई की दुकान पर मिठाइयाँ बनाने का काम करती थी। राजू भी, जो कि अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगा था, उसने देखा कि यह माहौल कुछ अलग और अनोखा था। कैसे बूंदी को कढ़ाई में तल के चाशनी में डुबोकर लड्डू बनाए जा रहे थे, कैसे बेसन और बूरे को मिलाया जा रहा था, फिर उसके लड्डू बनाए जा रहे थे और अंत में बर्तन में रख कर टेबल पर सजाए जा रहे थे। यह सब राजू को बहुत पसंद आया। घर जाने के बाद, माँ मुझे हलवाई का काम बहुत पसंद आया। सच में बेटा, फिर क्यों ना रोज तुम मेरे साथ आ जाओ, बस काम के लिए नहीं, सब कुछ सीखने के लिए भी, ताकि तुम एक दिन एक बहुत बड़े हलवाई बन जाओ, है ना? हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से राजू उस काम को और गौर से देखने लगा। उसने जल्द ही सब कुछ सीख लिया। राजू को इस काम में बहुत दिलचस्पी हो गई और वह काम को बहुत जल्दी जल्दी करने लगा। बाकी के सभी कारीगर राजू की कला को देखकर हैरान रह गए। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे और उसकी माँ को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता था। इसी तरह राजू ने 5 साल मन लगा कर काम किया। इसी दौरान राजू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसने काम पर जाना बंद कर दिया। अब राजू अकेला था, जिसको अपनी बीमार माँ को संभालना था और भाई की पढ़ाई को भी। दुकान पर की गई कमाई उनके लिए काफी नहीं थी, तो राजू ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी दुकान खोल लूं? राजू माँ से बोला, कब तक मैं हलवाई की दुकान पर काम करूँगा? हमें अपनी समस्याओं को समाप्त करना है, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी खुद की हलवाई की दुकान खोलनी पड़ेगी। बच्चे, यह तो बहुत अच्छा विचार है, पर पैसों के बिना कोई भी काम शुरू कैसे करोगे? मेरे पास एक योजना है माँ। मैं रामलाल सेठ के पास काम कर रहा था। उन्होंने मेरा काम देखकर बोला कि वह मुझे जब भी पैसों की जरूरत हो तब वो मेरी मदद कर देंगे, और उनके कुछ लड्डू अधूरे रह गए हैं, तो मैं उनसे पैसे लेकर उनका काम खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बुद्धिमान और कलाकार हो बेटा, जाओ और रामलाल साहब से बात कर लो, देखते हैं क्या होता है। राजू रामलाल सेठ के पास जाकर अपनी योजना के बारे में उनको बताता है। अरे बेटा, इतनी कम उम्र में तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ऐसे काम के लिए तुम्हें कम से कम 5 लोगों की जरूरत है। तुम कहाँ से लाओगे? सेठ जी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, एकदम सही काम करते हैं और ईमानदारी से, वह भी कम पैसों में। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे राजू? मैं और मेरे दोस्त कई सालों से हलवाई का काम कर रहे हैं। साहब, हमें दिन भर काम करके भी यह लालची हलवाई हमें ठीक से पैसे नहीं देते। ऐसे बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं साहब जी, अगर मैं उनसे बात करूँगा तो हम सभी मिलकर काम कर सकते हैं। ये सब तो ठीक है बेटा, लेकिन कहाँ काम शुरू करेंगे? साहब जी, आपका काम भी तो कब से रुका हुआ है, मैं आपके घर से ही काम शुरू करूँगा। मैं आपके बचे हुए लड्डू देखते ही देखते खत्म कर दूंगा, देख लेना। अच्छा बेटा, आ जाओ और भगवान का नाम लेकर ये शुभ काम शुरू करो। राजू अपने दोस्तों के पास गया और उनको इस काम के बारे में बताया। सारे दोस्त इस विचार से खुश थे और तुरंत राजू ने उनको काम के लिए पैसे भी दे दिए। अगले दिन से सबको काम पर लगना था। अगले दिन राजू के दोस्त आए अपना अपना सामान लेकर। राजू ने बचे हुए पैसों के साथ बाकी का सामान लाया, जैसे कि बेसन, बूरा, घी वगैरह। उसके दोस्तों के आने से पहले ही उसने सारा सामान तैयार रखा। सब लोग इस नए काम को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि वह सब जवान थे
तो वह काम को जल्दी जल्दी करने लगे। राजू सभी को सही दिशा दिखा रहा था काम करने की, और देखते ही देखते 10 दिन में सारे लड्डू तैयार हो गए। रामलाल के लड्डू खाके सभी दंग रह गए। राजू के पहले हलवाई भी यह लड्डू खाकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसने इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। रामलाल के लड्डू खाकर बाकी के लोग भी अपने लड्डू बनाने के लिए राजू को बुलाने लगे। राजू बेटा, तुमने इतने कम समय में मेरे इतने स्वादिष्ट लड्डू बना दिए, वाकई में लाजवाब काम किया है तुमने। रामलाल ने फिर राजू को अपने काम के लिए अच्छा खासा पैसा दिया। पैसों के साथ उसने अपनी माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखा और अपने भाई को बेहतर स्कूल में डाला, और उसने खुद के परिवार के लिए भी एक मिठाई की दुकान खोल ली। 20 वर्ष के अंदर अंदर उसने कई प्रकार के लड्डू बना दिए। उसने अपनी कला का इस्तेमाल किया और अपनी मेहनत के साथ, जिसकी वजह से उसको प्रशंसा मिली। अंत में उसने अपने परिवार को सुखी भरा जीवन दिया।